हेलो स्परेंट दिस इज मयंक असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रप्सर डायरी पर यह मुगल वंश से संबंधित पार्ट फाइव है जिसमें हम सभी फैक्ट्स को देख रहे हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर चार वीडियो और आ चुके हैं ठीक है तो आप उन्हें जाके देखिएगा जिसमें हमने ल्यूसेंट के सभी क्वेश्चन हैं मुगल वंश पर आधारित और इसके साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन का एक पॉइंटर का भी वीडियो आ चुका है और यह आपका अंतिम वीडियो होगा जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके साथ साथ यूथ कम्प्टीसन टाइम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित वो सभी यहाँ पर करा दिए जाएंगे तो टोटल मिला आपको चार या टोटल मिला के पाँच वीडियो हो गए हैं जिसमें सभी क्वेश्चन हैं आपके मुगल साम्राज्य से संबंधित पिछला वीडियो थोड़ा सा रैंडम खत्म हो गया था इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मुगल कालीन साहित्य चल रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था अनुवाद किया गया है ताजुल माली ये पहले से ही करा चुके हैं हम नेक्स्ट है सही सुमेलन है आलमगीर नामा ये आपका मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है तबकते अकबरी यह आपका निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है चहार चमन चंद्रवाहन ब्राह्मण का है जबकि इकबाल नामा जहांगीरी मोहम्मद ये मोहत्तम खान का है ठीक है अगला है अवुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान खाना जिनको रहीम कहा जाता था एवं अब्दुल कादिर बदायूनी इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो इन चार सभी में से अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिनको सिंपली रहीम के नाम से जाना जाता है रहीम के दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति आगे बढ़ाई थी अगला है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे ठीक है यानी स्टेट हिस्टोरियन थे शाहजहाँ के पीरियड के अगला है शाहजहाँ के लेखक हैं इनायत खान यहाँ पे हमें सूची वन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तो बाबर ने तुज के बाबरी लिखी थी तुर्की भाषा में थी ये तुझकी भाषा में बाबर ने तुज के बाबरी लिखी है जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है बाद में इसे फारसी में ट्रांसलेट किया गया था गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी थी और हमायूँ की बहन थी इन्होंने हमायू नामा लिखा था अकबर की दरख्वास्त पर अकबर के कहने पर इन्होंने हमायू नामा लिखा अगला है अब्बाश खां सरवानी इन्होंने तारीख सेब शाह लिखा है निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकवरी लिखी है इन्होंने नेक्स्ट है अनवार ए सुली नामक ग्रंथ किसने लिखा यानी किसका अनुवाद है फारसी अनुवाद है तो ये पंचतंत्र कहानी जो विष्णु शर्मा जी की है पंचतंत्र कहानी उसका फारसी अनुवाद किया गया है अनवार सुहली नाम से अगला है कि अबुल फजल द्वारा अकवर नामा पूरा किया गया था सात सालों में पूरा किया गया था और अकबर नामा का एक छोटा एक पार्ट है आपका आयन अकबरी अगला है मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा क्या थी तो दरबारी और अदालती भाषा की फारसी थी।, hmm. तो थी अगला है कि नस्ताली है तो नस्ताली एक प्रकार की फारसी लिपि होती है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त किए जाते थे अगला कभी हृदय वह राजा कभी हृदय वह राजा जिसने नागरी नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे तो ये राजा सावंत सिंह थे जिन्होंने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं अगर यह महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया एक किन की रचना है तो ये केशव दास की रचना है यहाँ पे मुगल काल से संबंधित मिशल क्वेश्चंस को देखेंगे जहांगीर के समय विलियम हॉकिस आए थे जिनको खान यानी मुगल मुगल खान उपाधि इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अकबर के टाइम पर फिलियम फेंच आया था जबकि साहजा के समय पर ट्रेवनियर आया था औरंगजेब के समय पर मनूची आया था मनुची बाद में एक जे चिकित्सक के तौर पे कार किया औरंगजेब और की सेना में हॉकिंस विलियम सॉरी विलियम हॉकिंस आपके 1608 से 1611 के बीच में जहांगीर के समय पे आया था टॉमस रोय 1615 से 1619 के बीच में आया था जेम्स जेम्स फर्स्ट के दूध के रूप में मनुची सोलह से सत्रह के बीच में औरंगजेब और के शासनकाल में आया था और ये चिकित्सक के रूप में इसने सेना में काम किया औरंगजेब और के रॉल फिस आपका यह पंद्रह सौ पचासी से पंद्रह सौ छियासी के बीच में देखने को मिलता है अकबर के समय पे मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है तो सबसे पहले जहांगीर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला उसके बाद अहमद शाह अब्दाली देखने को मिलता है और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफ़र चार बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम कह रहा है तो चंगेज खान ने अटैक किया था इलतुतमिश के समय पर तैमूर ने तेरह सौ अठानवे ईस्वी में तुगलक वंश के अंत में युद्ध किया था उसके बाद नादिर शाह ने अटैक किया है सत्रह में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था सत्य कथन क्या है तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीर्थ युद्ध लड़ा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जिसमें औरंगजेब जीता था जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था ये सभी सभी कथन सही हैं हमें सुमेलित करना है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कतलेआम किया गया था सत्रह में दिल्ली को लूटा गया था नादिर शाह के द्वारा मयूर सिंहासन ये लेके चला गया था बाबर और इब्राहिम लुधी के बीच पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी में पान पानीपत के पहले युद्ध पहली पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लुधी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई भी पंद्रह सौ छब्बीस में हुई थी हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में अहमद साह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था तीसरा युद्ध हुआ था सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में अगला है हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते तो हैं किसके लिए ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं और अफगान सरदारों के ये प्रधानमंत्री थे या सेनापति थे नेक्स्ट है कि ताराइन का दूसरा युद्ध होता है आपका ग्यारह सौ बयानवे ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था जबकि अगली साल ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया औरंगजेब की मृत्यु होती है सत्रह सौ सात ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में मराठाओं और हमसा अब्दाली के बीच अकबर की मृत्यु होती है आपकी सोलह सौ पाँच ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध आपको अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध देखने को मिलता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध आपके पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में हुआ था हुमायूं को हराया था सिरसा ने खुसरों का युद्ध खुसरों का विद्रोह होता है जहांगीर के समय पे जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो था खानवा का युद्ध आपको पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी में देखने को मिलता है बाबर ने राणा सांगा को हराया था अगले हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में अकबर का राज्य रोहड़ हुआ था सोलह में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया सोलह में शिवाजी का देहांत हो गया था सत्रह सौ उनतालीस ईस्वी में नादिशाकर दिल्ली पर कब्जा हुआ फिर से हमें सुमेलित करना है पानीपत का तृतीय युद्ध आपको सत्रह ईस्वी में देखने को मिलता है हल्दीघाटी का युद्ध पंद्रह ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध आपको ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में देख असीरगढ़ का युद्ध आपको सोलह सौ एक ईस्वी में अता अली खान का नाम क्या था अता अली खान तानसेन को बोला गया यानी तानसेन की उपाधि दी गई थी अता अली खान सुमेलित करना है सूची फ़र्स्ट को सूची सेकेंड से, से एकता दिल्ली के सुल्तान के द्वारा इकतेदार सिस्टम स्टार्ट किया था यानी ये अलतुतमिश ने स्टार्ट किया था एक्ता प्रणाली और इकतेदार सिस्टम स्टार्ट किया था जिन्हें एक्ताओं यानी जो हेड होता था इकतेदार होता था उसे एता यानी एक प्रोविंस दिया जाता था जिससे वो टैक्स वसूल सकें ऐसे ही मुगल वंश में मनसबदार प्रणाली स्टार्ट की गई थी और हर मनसबदार को जागीर दी जाती थी विजयनगर साम्राज्य में इसी प्रकार से अमरम दिया जाता था ठीक है एकता जागीर अमरम एक जैसी चीज़ें और मराठों में मोकाशा तो ये सभी शब्द आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मराठे के मोकाशा विजयनगर अमरम मुग़ल जागीर मुगल जागीर और दिल्ली के सुल्तानों का एकता बाबुल मक्का या मक्का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है तो सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्के द्वार कहा जाता है मुग़लों ने नवरोज का त्यौहार लिया था किन से पारसीियों से मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कौन सा कौन सा मदरसा था तो ये लखनऊ का मदरसा था जिसने मुस्लिम न्याय शास्त्र पढ़ाते थे मुस्लिम न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता था अगला है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है पद्मिनी आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय पर यानी पदमामत की मूवी में आपने देखा होगा राणा रतन सिंह की पत्नी थी ये मेवाड़ के राणा थे वो तो पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई हैं इनके ऊपर पदमावद किताब लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने इसके बाद आपकी दुर्गावती देखने को मिलती है ताराबाई उसके बाद आती हूँ अहल्या सबसे लास्ट में तो ये कालक्रमानुसार एक दूसरे से मिले हुए हैं सही सुमिलत करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी सब्बल में हमायूं ने दीनपनाह शहर बसाया था अकबर ने जहांगीरी महल बनाया जहांगीर ने एतम का मकबरा बनवाया फिर से सुमिलित करना है कुलतुब मीनार कुतुब मीना अलतुतमिश ने कंप्लीट कराई थी शुरुआत कराई थी कुतुबद्दीन एवक में अगला है गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह ने बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद औरंगजेब ने नेक्स्ट है कि मुगल काल के युद्धों का सही कलन है तो खानवा के युद्ध आपको पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी में देखने को मिलता है घाघरा का युद्ध आपको पंद्रह सौ उनतीस ईस्वी में चौसा का युद्ध पंद्रह सौ उनतालीस ईस्वी में जबकि सामूगढ़ का युद्ध आपको सामूगढ़ का युद्ध आपको मई उन्नीस यानी उनतीस मई उन्नीस सौ को देखने को मिलता है जो दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ यहाँ पे हमें स्मारकों को निर्माताओं से सम्मेलित करना है अलाई दरवाजा दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया मोती मस्जिद आगरा की शाहजहाँ ने मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने मुगल का मुग़ल काल में मौलिम किसको कहते थे तो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक जो कर्मचारी होता था उसको मौलम कहा जाता था कहीं कहीं किसी बुक में मौलम को जहाज से दिखाया गया है है ठीक भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कौन होते थे एक व्यापारी होते थे अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का बिघटन तो औरंगजेब की सत्री मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली बहादुर शाह फर्स्ट ने मुगल सम्राट जहां शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण क्या था तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे जिसकी वजह से उनका शासन चला गया अकबर जहांगीर बहादुर शाह तथा फरुखसी में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी तो ये फरुख शेर ने एक फरमान जारी किया था जिसकी वजह से बंगाल वाले रीजन से अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार मिल गया था नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था जिसने पंद्रह सॉरी आपका सत्रह तक राज्य किया था जिसमें सत्रह में नादिर शाह की जो ईरान का शासक था उसने अटैक किया और दिल्ली को लूटा और उसके बाद वो मयूर सिंहासन अपने उठा के ले गया ईरान ले गया था नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था मोहम्मद शाह था वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हो गया था तो यह मोहम्मद शाह रंगीला ही था सत्रह सौ उनतालीस उन्नीस से लेकर अड़तालीस के बीच में राज किया इसने वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो ये मोहम्मद शाह था वह मुग़ल बादशाह जिसको बजीर गाजी ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो ये शाह आलम सेकेंड था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था उसके पिता का नाम क्या था तो अकबर शाह सेकंड बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अवध का प्रथम नवाब कौन, कौन था तो अवध है, का प्रथम नवाब शहादत खान था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिन्ह कलेज खान था वह जिसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंत्र मंत्र कहते हैं बनवाई थी तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएँ बनवाई थी कहाँ कहाँ पर तो दिल्ली में बनवाई थी एक विधाला जयपुर में उज्जैन में एवं वाराणसी में ठीक है इसके साथ साथ मथुरा में भी बनवाई थी सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है इसके लेखक कौन है तो जयपुर के सवाई जय सिंह ठीक है यानी जिज मोहम्मद शाही पुस्तक ये किसने लिखी है जयपुर के सवाई जयसिंह जी ने लिखी है तो ये सभी पॉइंट्स थे आपके जो मुगल साम्राज्य में पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन के रूप में अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एग्जाम्स में तो ये हमने एक चक्र पुवावलोकन से किए थे अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको घटना आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक से देखने को मिलेंगे और ये टॉपिक वही रहेगा मुग़ल साम्राज्य तो अगर आप अभी तक चैनल में बने हुए हैं चैनल आपको समझ में आ रहा है वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है यहाँ से मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी सेकेंड पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच में तो इन डी है इनमें से कोई सही नहीं है यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा गलत मैच है तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो पंद्रह में देखने को मिलती है आपकी अकबर और हेमू के बीच जो अफगानों के सरदार के रूप में कार्य किया जिसने ठीक है तो पंद्रह में अकबर और हेमू के बीच जिसमें अकबर जीता था एक्चुअली ये युद्ध लड़ा था बैरम खान ने पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और अफगान सेना नष्ट हो अफगान सेना नष्ट हो गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको छप पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी को देखने को मिलती है अकबर और हेमू के बीच हुई थी इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी हेमू की पराजय हुई और हेमू को मार दिया गया इसी प्रकार हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो अठारह जून पंद्रह ईस्वी को देखने को मिलता है महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था जैसे महाराणा प्रताप पराजित कह नहीं सकते कि पूरी तरीके से पराजित हुए तो यहाँ पर ये शब्द गलत है और चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों के भाग गए भाग आश्रय लिया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निवृत्त में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है भू राजस्व प्रणाली किससे संबंधित है तो चाहे अकबर हो या शेरशाह सूरी हो दोनों के समय पर राजा टोडरमल ने कार्य किया है भू राजस्व प्रणाली के लिए तो इन्होंने ही बंदोबस्त प्रडाली या जबती जबती सिस्टम या दहसाला सिस्टम ये सभी सिस्टम टोडरमल के संबंधित हैं टोडरमल ने बनवाए करवाए थे अगला है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था तो सिरसा सूरी का वास्तविक नाम ऑप्शन दे रखा है बरीद फैजल फ़रीद और फारूक तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फ़रीद सिरसा सूरी को बचपन का नाम फरीद था उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी पंद्रह सौ उनतालीस को चौंसा के युद्ध में हमायूँ और सिरसा के बीच में हुआ था जिसमें हमायूँ को हरा दिया था चौंसा चौसा, चौसा के युद्ध में वापस से एक साल बाद फिर से युद्ध होता है जिसमें कन्नौज या बेलगाम के युद्ध में फिर से बाबर को सॉरी हमायूँ को हरा दिया गया सरसा सूरी के द्वारा और हमायूँ इंडिया से भागकर काबुल चला गया ईरान चला गया था बाद में उसने फिर शेरशाह की पदवी भी धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था पहले ये फरीद था इसको टाइटल मिला था शेर शेरखा का भी सत्रह मई पंद्रह सौ चालीस को कन्नौज वेलगम के युद्ध में हुआ पराजित हुआ कालिंजब विजय पंद्रह सौ पैंतालीस ईस्वी में देखने को मिल और इस युद्ध में तोप का गोला फड़ने के कारण ये घायल हो गया था और जिसकी मौत हो गई सिरसकम अकबर बिहार के सासाराम में स्थित है नेक्स्ट है पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप अकबर भारमल अकबर हेमू अकबर उदय सिंह तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अकबर और हेमू के बीच में पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध आपको पंद्रह सौ छब्बीस में देखने को मिलता है बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया पानीपत का द्वितीय युद्ध में पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में देखने को मिलता है अकबर ने हेमू को हराया था और पानीपत का तृतीय युद्ध आपका सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में हुआ था जिसमें मराठों और अहमद अब्दाली के बीच में हुआ था अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे विजेत रहा अगला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा है बी फोर बी सी आपका दो सौ इकसठ बी ईसवी में कलिंग का युद्ध अठहत्तर ए डी में सकसम्मत की शुरुआत छः सौ बाईस में मुस्लिम युग की शुरुआत सत्रह सौ नौ में औरंगजेब की मृत्यु तो आपके जो ऊपर के तीन देख रहे हैं ये आपके बिल्कुल करेक्ट मैच हैं कलिंग युद्ध आपको दो सौ इकसठ बसवी में हुआ था अठहत्तर एडी में सक संबंध की शुरुआत हुई मुस्लिम युग की शुरुआत आपकी छः सौ बाईस ईस्वी में होती है जबकि औरंगजेब की, औरंग की मृत्यु आपको सत्रह सौ सात में होती है ना कि सत्रह सौ नौ में ठीक है यह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी वादस था उसका मकबरा औरंगाबाद में है औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रविया उदौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई अठहत्तर ईशा पूर्व अठत्तर ईस्वी में सक संबंध की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी हुमायूं बी में पूछा गया क्वेश्चन है सन्दू हजार में किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था सत्ताईस पच्चीस छब्बीस चौबीस यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है बाबर का भारत पर प्रथम अभियान पंद्रह सौ उन्नीस में यूसुफचाई जातियों के विरुद्ध हुआ था जिसमें बाजर बाजर और बेहरा बाज और पर इसने अटैक किया था बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी एम प्राइम लोधी का चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इक्कीस अप्रैल को पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में प्रायम लोधी को पराजित किया बाबर ने इस युद्ध में उज्बेकों की तुलगुमा नीति अपनाई थी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा की कली का निर्माण किया गया था शाहजहाँ के द्वारा औरंगजेब जहांगीर अकबर या जहांगीर के द्वारा किसके द्वारा आगरा के आगर किले का निर्माण करवाया गया तो पहला है आगरा के किले का निर्माण साल पंद्रह सौ पैंसठ ईस्वी से तिहत्तर की तिहत्तर ईस्वी के बीच में हुआ था ये आगरा के किले का निर्माण बादशाह अकबर द्वारा कराया गया यह किला तीन लाख अस्सी हज़ार वर्ग मीटर फैला है जिसका निर्माण लाल बालुआ पत्थर से किया गया था इसीलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है यह किला सन उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी कोतवाल कौन होता था ए है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना इसकी भूमिका थी इसका कार्य था बी है को बनाए रखना राजस्व एकत्रित करना कानून और व्यवस्था बनाए रखना तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी जो कोतवाल होता था ये पुलिस कोतवाल होता था जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका शूबे की राजधानी बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था इसे नगर प्रधान भी कहा जा सकता है चौहत्तर है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निवलित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी शेरसा सूरी बिहार राज्य के सासाराम शहर में सूरी शेरसा सूरी का मकबरा है यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है यह मकबरा हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी जैसे तुझ की बावरी है जब बाबर नामक कहा गया है इस पुस्तक का नाम क्या है मुगलनामा बाबर मुबारक बाबरनामा बाबर बेहाया मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की जगदाई शाखा से थे जिसका संबंध मंगोलेता चंगेज खान से है बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी जिसको तुझे के बाबरी बाबरनामा कहा गया यह किताब भी तुर्की भाषा में लिखी गई थी लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ और साम्राज्य का उल्लेख किया है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या रहा है सोलह से सोलह सत्ताईस सौ से अट्ठावन अट्ठावन से सत्रह सौ सात से अड़तालीस तो ग्राम पंचायत अधिकारी यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है भारत में जहांगीर का शासनकाल सोलह से सत्ताईस तक रहा था इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है सात नवंबर सन सोलह में इसकी मृत्यु हो गई थी वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में ग्वालियर में आगरा में दिल्ली में तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रंगून ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया है अठारह अच्छा सौ सत्तावन के विद्रोह के समय बहुत बाद सेकंड को हाइं के मकबरी से गिरफ्तार किया गया था उन्हें हरसन हडसन ने जो ब्रिटिश ऑफिसर था हरसन उसने रंगून निर्वासित किया था जहाँ अठारह अच्छा ईस्वी में जबर की मृत्यु हो गई थी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है कि पहला कठपुतलीस मुगल सम्राट कौन बना था जहां शाह बहादुर शाह फरुख सैर मोहम्मद शाह तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जहानदर शाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदर शाह अजीम उस रफी शाहान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार के युद्ध में जहानदर शाह सत्रह सौ बारह तेरह ईस्वी में जुल्फकर खान के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी इक्यावन वर्ष की आयु में जहानंदर शाह सत्रह सौ बारह ईस्वी को मुगल स्वराज सिंहासन पर बैठा जुल्फ्फकर खान इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जहानदर शाह जुल्फकर खान के हाथों का कठपुतली बन के रह गया था जहानदर शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खान के हाथों में थी जहानदर शाह ने लाल कुमारी नामक बेसिया को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था लोग इसे लम्पट मूर्ख भी कहते हैं ठीक है यानी जहानदर शाह को लम्पट मूर्ख भी कहा जाता है अजीम उसान के पुत्र फरुख शेयर ने सैयद बंधुओं जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान थे के सहयोग से जहानंदर शाह की हत्या कर देते हैं ठीक है यानी फरुख़ शेर ने बाद में सैयद बंधुओं की सहायता से आपके जो लम्पट मूर्ख थे जहांधर शाह उनकी हत्या कर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन दे रखा है विश्व प्रसिद्ध मायूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किसने करवाई थी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए शाहजा विश्व प्रसिद्ध मायूर सिंहासन का निर्माण शाहजहा ने करवाया था पहले एक आगरा के किले में था बाद में से दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था जिसे यहाँ से लूट नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में से दिल्ली का लाल किला दीवान आम दीवान खास दिल्ली की जामा मस्जिद आगरी की मोती मस्जिद और ताजमहल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कभी कौन थे बीरबल तुलसीदार रहीम खान बैरम खान तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहीम खान रहीम खान जिन्हें अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे इनका जन्म पंद्रह सौ ईस्वी को हुआ था अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे गुजरात के युद्ध में सौर प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी रहीम की ग्यारह रचनाएं प्रसिद्ध हैं इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव देखने को मिलते क्वेश्चन नंबर एट्टी वन अकबर के नवरत्नों में से नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है पहला है अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक रहे हैं राजा मान सिंह वे अकबर के वित्त मंत्री रहे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे डी है आपका मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है यानी राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे एक्चुअली एक मनसबदार थे मान सिंह आमिर के राजा भारमल का पुत्र था यह चौदह नवम्बर पंद्रह सौ नवासी को आमिर की राजगद्दी पर बैठा था यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति थे मानसिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था जबकि अबुल फजल अकबर के बजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी रहे मुल्ला दो प्याजा अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे अब्दुल रहीम खान गाना एक कवि थे और भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे नेक्स्ट है औरंगजेब का पुत्र कौन था बाबर अकबर हमायूं शाहजहाँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका औरंगजेब का जन्म सोलह सौ सॉरी यहाँ पे पूछा है आपसे औरंगजेब किसका पुत्र था ना कि औरंगजेब का पुत्र कौन था तो औरंगजेब औरंगजेब एक्चुअली का पुत्र है अकबर अकबर फॉर जबकि औरंगजेब जो पुत्र है वो शाहजहाँ का था ठीक है के बेटे का नाम औरंगजेब था सोलह सौ सो अठारह ईस्वी में इसका जन्म हुआ था उज्जैन में इसके पिता का नाम शाहजहा इसने सोलह सौ सो अट्ठावन से सोलह सत्रह सौ सात ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था यानी सबसे ज़्यादा विस्तार हो रखा था इस टाइम पे क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा नहीं अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था पंद्रह ईस्वी में नेक्स्ट है एट्टी इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह सर आप कुछ होता तक नहीं था अकबर शाहजहां जहांगीर औरंगजेब तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा औरंगजेब औरंगजेब का जन्म सोलह को उज्जैन के निकट दोहद नाम स्थान पर हुआ था इसके बता शाहजहां तमावता मुमताज महल थी औरंगजेब जीव पवित्र जीवन व्यतीत करता था वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यती के जैसा जीवन व्यतीत करता था खाने पीने भेषभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं से वह बेहद सहम से बरतता था नेक्स्ट एट्टी फाइव के इस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था अकबर सहलम एवर भी दोनों एन में से कोई नहीं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अकबर ठीक है अकबर ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया और इससे पहले इसका नाम प्रयागराज था नाम चेंज करके इलाहाबाद रखा गया इलाहाबाद में एक किला बनवाया था इन्होंने अकबर ने क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था हेमू फैजी अबुल फजल बैरम खान तो यहाँ पे बहरम खान करेक्ट आंसर है अकबर का जन्म पंद्रह अक्टूबर पंद्रह सौ बयालीस पंद्रह सौ बयालीस ईस्वी को अमरकोट के राजा बीस साल के महल में हुआ था और इनकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था जिसे मरियम मक्कानी भी कहा जाता है अकबर के प्रारंभिक तीन वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीते हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खान थे है। ठीक है बैरम खान ने छप्पन को गुरदासपुर के निकट काला नौर में अकबर का राज्यभिषेक करा दिया था सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को बकील या बजीर पद पर नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि प्रदान की बैरम खान फारस के सिया संप्रदाय से संबंध रखते थे नेक्स्ट है अमायु की दुर्घटना के की में मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया लाहौर में सरहेंद्र में कालान में काबुल में तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कलानौर पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में दीन प्रन्ना भवन में स्थित पुस्तकाल की सीढ़ियों से गिर गया हवाई की मृत्यु हो गई थी इसका समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को चौदह वर्ष की उम्र में चौदह फरवरी पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी को कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ था अकबर सेसा सूरी हमारे यहाँ समुद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर सेसा सूरी रहेगा इसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया जो आज के रुपया का अग्रदूत है चांदी का रुपया होता था जो 180 सौ ग्रेन का था तथा तांबे का दाम होता था जो 380 सौ अस्सी ग्रेन का था तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेसा सूरी के शासनकाल में किया ये सारे कार्य शेसा सूरी ने करवाए थे अगला है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला आगरा में इलाहाबाद में झांसी में अजमेर में तो इसका करेक्ट आंसर आपका अजमेर रहेगा ठीक है सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा सोलह सौ आठ में कैप्टन हॉकिन से राज दरबार में मिला था क्वेश्चन नंबर नाइनटी में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की बहादुर शाह ने शेरसाह सूर्य ने शाहजहा अकबर ने तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शेरसाह सूरवंश का संस्थापक था इसने पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो सिकंदर लोधी ने डेवलप किया था और जो बत्तीस अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी इसने प्रयोग किया था इक्यानवे है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी फैची ने अबुल फजल ने बदायूनी ने या इनमें से किसी ने नहीं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है बदायनी अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की वह दीन एलही धर्म का मुख्य पुरोहित बना था अबुल फजल और दीन एलही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल इसका असली नाम महेश दास